नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे मुख्यमंत्री। 25 सितंबर को गोहाना रैली में पहुंचेंगे लाखों लोग, बोले जेके अग्रवाल। जी हां, 25 सितंबर को गोहाना रैली में लाखों लोग पहुंचेंगे, चौटाला बनेंगे मुख्यमंत्री। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जन्म जयंती है और गोहाना में होने वाली इनेलो की रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें देश और प्रदेश के लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। यह दावा इनेलो व्यापार संघ के प्रदेश महासचिव जेके अग्रवाल ने पलपल से विशेष बातचीत के दौरान किया। इस अवसर पर उनके साथ व्यापार सेल रतिया के महासचिव राजकुमार गोयल और खड्डू भी साथ थे। जेके अग्रवाल ने बातचीत करते हुए कहा कि पूरे देश और प्रदेश में ताऊ चौधरी देवीलाल के लाखों भक्त हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 25 सितंबर को गोहाना में उमड़ेंगे। इस रैली में रतिया से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे और रैली के लिए गांव-गांव घर-घर जाकर के लोगों व कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। जेके अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार लोगों से झूठी चुनावी वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन एक बार फिर वादा पूरा नहीं किया। अब जनता भाजपा सरकार को कुर्सी से उतार कर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और आगामी गोहाना रैली के बाद में प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी और ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। रैली के बारे में आपके क्या विचार हैं? 25 सितंबर ताऊ देवीलाल जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और पूरे देश से व प्रदेश से लाखों की संख्या में ताऊ देवीलाल जी के समर्थक गोहाना में जुटेंगे। इसके लिए रतिया से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रैली में जाएंगे, जिसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी है। गांव-गांव में जाकर लोगों से संपर्क किया जा रहा है और रैली के बाद देश की प्रदेश की राजनीति जो है वो एक करवट लेगी। वह आने वाली सरकार इनेलो की होगी। वह इनेलो के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होंगे। सरकार की नीतियों के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार की नीतियां बिल्कुल ही जनता के खिलाफ चल रही है। कोई भी नीति सरकार की जनता के हित में नहीं है। जनता में त्राही त्राही मची हुई है और जनता ये सोच रही है कि कब इलेक्शन आए और इनेलो की सरकार बनाए। जनता मनोहर लाल खट्टर की सरकार से बहुत दुखी है। सिलेंडर के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और गैस के रेट, पेट्रोल डीजल के रेट भी ज़्यादा हो गए हैं। भाजपा की सरकार जो चुनावी वादे लेकर आई थी वह एक भी चुनावी वादा मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया और लोग मनोहर लाल खट्टर सरकार से बहुत दुखी हैं और इनेलो को जिताकर इनेलो की सरकार बनाना चाहते हैं।